कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे बहुत अपने खून के रिश्ते जिनके साथ हम पले बड़े हैं, बड़े होने के बाद उनके बीच दुश्मनी पैदा हो जाती है। वहीं कुछ ऐसे लोग जिनसे कोई खून का रिश्ता नहीं होता, वो खून के रिश्तों से भी ज़्यादा अपने लगने लगते हैं। आखिर अपनों के बीच दुश्मनी की वजह क्या है और पराए भी अपने क्यों लगने लगते हैं? एक ही माँ से जन्मे जुड़वा भाइयों की कहानी और दूसरी तरफ मालिक और नौकर के बेटे की कहानी इस सच को बड़ी खूबसूरती से सुनाती है। आइए सुनते हैं सुधा जी की लिखी कहानी अ टेल ऑफ टू ब्रदर्स। तो एक तरफ राम और श्याम एकदम एक से दिखने वाले जुड़वा भाई थे। दोनों इतने ज्यादा एक से दिखते थे कि बताना मुश्किल था कौन राम है और कौन श्याम। दोनों 7 वर्षों तक सुधा जी के छात्र थे। इन 7 वर्षों में सुधा जी ने देखा कि राम और श्याम हमेशा एक दूसरे के साथ घूमते थे, हर चीज शेयर करते थे और दोनों को एक दूसरे की कंपनी बहुत ज्यादा पसंद थी। एक दिन सुधा जी ने मजाक करते हुए कहा, अरे तुम दोनों कपड़ों में कुछ ऐसा फर्क करो कि पहचाना जा सके कि कौन राम है और कौन श्याम। वैसे तुम दोनों ऐसा करना कि जुड़वा बहनों से ही शादी करना, फिर बड़ा मजा आएगा। घर में सारा दिन कंफ्यूजन का दौर चलता रहेगा। MCA की डिग्री लेकर दोनों भाइयों ने एक सॉफ्टवेयर कंपनी ज्वाइन कर ली। उनके पिता इंडस्ट्रियलिस्ट थे और माँ स्कूल में प्रिंसिपल थी। अच्छी लोकेलिटी में उनका एक विशालकाय घर और एक फार्म हाउस था, मतलब संपन्न घर को वो बिलोंग करते थे। एक दिन दोनों भाई अपनी शादी के लिए सुधा जी को इन्वाइट करने आए। मजे की बात ये थी कि दोनों की शादी जुड़वा बहनों से ही हो रही थी। सुधा जी ने मजाक करते हुए कहा, तुम्हारी कहानी तो एकदम फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी है। वैसे तुम दोनों ने ये जुड़वा बहनें ढूंढी कैसे? राम और श्याम बोले, जब से हमने शादी का निर्णय लिया तब से हम जुड़वा लड़कियां ही ढूंढ रहे थे। आफ्टर ऑल ये आपका ही आइडिया था। वैसे हमें लगा कि जुड़वा बहनें ही हमारी दोस्ती और भावनाओं को समझ पाएंगी। उनका नाम स्मिता और सविता है, आपको शादी में आना ही होगा। शादी में दोनों जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए सुधा जी को लगा कि ये विवाह दोनों पक्षों के माँ बाप को बहुत राहत पहुंचा रहा होगा, क्योंकि जब दो जुड़वा भाइयों की शादी दो जुड़वा बहनों से होगी तो शायद उनमें कभी कोई दुश्मनी की भावना आएगी ही नहीं। पर ये क्या, शादी के कुछ महीनों बाद ही राम और श्याम की माँ का सुधा जी के पास फोन आया। थकी हुई आवाज में वो बोली, मैडम क्या आप घर आकर बच्चों से बात कर सकती हैं, उन्हें समझा सकती हैं? उनकी आवाज से ही सुधा जी को किसी बड़ी समस्या का एहसास हुआ। जब वो घर पर पहुंची तो वो पहचान ही नहीं पाई कि ये वही घर है, क्योंकि अब घर पर एंट्री के एक दरवाजे की जगह 2 दरवाजे थे और घर के गार्डन को बीचों बीच से एक दीवार 2 हिस्सों में बांट रही थी। एक क्षण को उन्हें लगा वो कहीं किसी गलत एड्रेस पर तो नहीं आ गई, पर तभी राम और श्याम की माँ ने उन्हें देख लिया और घर के अंदर ले गई। घर में घुसते ही सुधा जी को घर की शुरुआत से लेकर अंत तक एक दीवार दिखी जो घर को 2 बराबर हिस्सों में बांट रही थी। इस दीवार ने घर के हर कमरे का नक्शा बिगाड़ कर रख दिया था। चारों तरफ एक अजीब सी नीरस शांति बिखरी हुई थी। सुधा जी ने आश्चर्य करते हुए पूछा, ये दीवार क्यों खड़ी हो गई? माँ ने कहा, इसमें आश्चर्य वाली कोई बात नहीं है, एक उम्र के बाद बच्चे अपनी सरलता खो देते हैं। सुधा जी ने कहा, पर उनकी शादियां तो जुड़वा बहनों से हुई है, वो आपस में कैसे लड़ सकती है? माँ ने कहा, हाँ शादी के वक्त हमने भी यही सोचा था और सब कुछ बहुत अच्छा चल भी रहा था। समस्या उस समय खड़ी हुई जब रिटायरमेंट के बाद मेरे हस्बैंड ने प्रॉपर्टी को 2 बराबर हिस्सों में बांटने की बात की। दोनों भाइयों को वही घर चाहिए था और वही फार्म हाउस भी चाहिए था। हम क्या करते, मजबूरी में हमें ये दीवार खड़ी करनी पड़ी। हालांकि माँ चाहती थी कि सुधा जी राम और श्याम से बात करके उन्हें समझाए, पर सुधा जी को ये बात अच्छी तरह पता थी कि जिस झगड़े की जड़ पैसा होती है वहाँ कोई शिक्षा कोई सलाह काम नहीं करती। पर फिर भी उन्होंने राम और श्याम को बुलाया और उनसे कहा, अरे तुम दोनों ने तो जन्म से पहले ही सब कुछ शेयर करना शुरू कर दिया था। तुमने पहले माँ की कोक शेयर की, जन्म लेने के बाद हर गम हर खुशी को शेयर किया। तुमने शादी जुड़वा बहनों से इसीलिए की कि वो तुम्हें ना बांटे, अपनों के साथ शांति से मिलकर रहने के लिए समझौते करना आना चाहिए। राम और श्याम ऐसे चुपचाप खड़े थे जैसे उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। इस असफल कोशिश के बाद सुधा जी एक ऐसी जगह पहुंची जहां उन्हें दूसरी ही कहानी दिखाई दी। इसके बाद उन्हें एक पुराने मित्र के साथ डिनर पर जाना था, जहां वो थोड़ी देर से पहुंची।
पहुंचते ही मित्र ने कहा, सिर्फ क्लास में ही टाइम से जाना अच्छी आदत नहीं होती, बाकी जगह भी टाइम से पहुंचना चाहिए। सुधा जी ने कहा, देर से आने के लिए माफी चाहती हूँ, पर हम किस रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं? मित्र की पत्नी ने कहा, हम रेस्टोरेंट में नहीं, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर एक गांव में खाना खाने जा रहे हैं। सुधा जी ने पूछा, क्या वहां कोई फार्म हाउस है? मित्र की पत्नी ने कहा, फार्म हाउस नहीं, फार्मर्स हाउस है, यानी कि किसान का घर। मित्र ने पहले गाड़ी पास के बाजार की तरफ मोड़ी, वहां उसने कुछ फल और मिठाइयां खरीदी, जब तक उसकी पत्नी ने कुछ कपड़े खरीद लिए। सुधा जी ने फिर पूछा, हम जा कहां रहे हैं? मित्र ने कहा, मेरे भाई के घर जा रहे हैं, वो हमें बहुत दिन से बुला रहा है, उम्मीद है उसे अच्छा लगेगा। सुधा जी अच्छी तरह जानती थी कि मित्र अपने माँ बाप की अकेली संतान है, फिर ये भाई कहाँ से आ गया? कोई चचेरा ममेरा भाई है क्या? मित्र ने रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी और कुछ ही देर में उनकी गाड़ी बेंगलोर के बाहरी क्षेत्र में हाईवे पर थी। सुधा जी को लगा, कहीं उनके सवाल मित्र की व्यक्तिगत जिंदगी में तो नहीं घुस रहे। तभी मित्र ने बताना शुरू किया, हम जिस गांव में जा रहे हैं वहां आज से 50 वर्ष पहले मेरा जन्म हुआ था। जन्म के 10 दिन बाद मेरी माँ गुजर गई। मेरे पिताजी मेरी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, वो बहुत दुखी थे, पर उन्हें मेरी भी देखभाल करनी थी। मुझे गाय के दूध से एलर्जी थी, मैं दिन भर भूखा रोता रहता था, दिन ब दिन मेरा वजन कम होता जा रहा था। उस जमाने में पाउडर वाला दूध भी नहीं आता था। मेरे पिताजी समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या करें। तभी सीतक्का के रूप में एक मदद आई। सीतक्का हमारे नौकर की पत्नी थी, जिसने कुछ ही दिन पहले एक बेटे को जन्म दिया था। उसने मेरे पिताजी से कहा, अन्ना अगर आप कहें तो मैं अपने बेटे के साथ आपके बेटे को भी अपना दूध पिला दूंगी। रिश्तेदारों ने ऐसा ना करने की सलाह दी, पर स्थिति को सोच समझकर पिताजी इसके लिए तैयार हो गए। सीतक्का ने मुझे तब तक अपना दूध पिलाया जब तक कि मैं बाहर का खाना और गाय का दूध हजम करने के लायक नहीं हो गया। तो इस तरह सीतक्का ने मेरी जान बचा ली। मैं 5 साल तक उस गांव में रहा। उसके बाद मैं जहां भी रहा, मैंने हमेशा सीतक्का को एक महान औरत के रूप में याद रखा और उसके बेटे हनुमान को अपना भाई समझा। अपनी जायदाद का एक हिस्सा भी उसे दे दिया। हमेशा की तरह रिश्तेदारों ने ऐसा करने से मना किया था, क्योंकि उनके लिए सीतक्का नौकर की पत्नी मात्र थी, पर मेरे लिए वो एक बड़े दिल की महान औरत थी, जिसके प्यार की कोई सीमा नहीं थी। अब मैं बेंगलोर में व्यस्त रहता हूँ, पर साल में एक बार सीतक्का के बेटे और अपने भाई के पास जाना जरूर याद रखता हूँ। सीतक्का ने बिना किसी उम्मीद के मुझे अपना प्यार दिया था, उतना ही जितना उसने अपने बेटे को दिया था। कहानी खत्म होते होते गाँव आ गया और मित्र ने सड़क के कोने पर खड़े हनुमान की तरफ इशारा किया, जो उनका इंतजार कर रहा था, उन्हें अपने साथ घर ले जाने आया था। पूरे डिनर के दौरान सुधा जी ने दोनों भाइयों के बीच प्यार को महसूस किया। वो आश्चर्य कर रही थी कि कैसे एक ही माँ की कोख से जन्मे जुड़वा भाइयों के बीच पैसे ने दीवार खड़ी कर दी, वहीं कैसे एक मालिक और एक नौकर के बेटे को एक औरत के निस्वार्थ प्रेम ने भाई बना दिया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि संबंधों के बीच खुशियां कार से नहीं संस्कार से आती हैं, और संस्कार सिखाए नहीं जाते, संस्कार तो माँ बाप को देखकर बच्चों में खुद बखुद आ जाते हैं।